आज एक बहुत बड़े युग का समापन होया है। एक ऐसी शख्सियत जेड़े कि हर पास्यों मन्ने जाते सीगे, हर पास्यों उन्हां दा सत्कार सीगा, और बहुत छोटी जी उम्र च जदों कि पढ़ाई पूरी करन तो बाद माँ बाप कहंदे हैं कि ये साडा सहारा बनेगा, उस टाइम वो घर चल के प्रचारक बन गए सी। ते घर च कोई विरोध नहीं होया, कर अरदास करके उन्हां दी विदाई की गई, और उस तो बाद ओहो जो जो ड्यूटीज़ जो जो काम उन्होंने संघ सौंपता गया वो अथक करते गए, उन्होंने कभी किसी गलते किंतु परंतु भी नहीं की। उन्होंने जो सब तो बड़ा योगदान है वो है कि सिख धर्म को सनातन धर्म के नाल समन्वय करके स्पष्ट करके लोगों तक पहुँचाया जाए, जिस दे विच अलग अलग तरह दीयां धारणावां ने। कुछ लोग कहिंदे वी इदां नहीं है, इदां नहीं है, लेकिन उन्होंने क्योंकि इन्ना अध्ययन किया होया सीगा गुरु ग्रंथ साहब जी का भी ते सनातन धर्म का भी, कि उसका समन्वय करके असल दे विच उन्होंने सारे दे विच ये प्रचार करने की कोशिश की। बाकी जिस तरह वो संघ च चले गए सीगे, प्रचारक सीगे, पर परिवार नाल उन्हां दा कदी वार टुटिया नहीं। वास्ता जदों भी परिवार की लोड़ हुई है वो परिवार के बीच आए हैं, परिवार के नाल रहे हैं। तो हुण पिछे कुछ दिनों तो उन्होंने स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा सीगा, वो लुधियाना के अपने संघ कार्यालय के विच सीगे, कभी ठीक हो जाते सीगे, कभी ढिले हो जाते सीगे, पर अंत तो गत्वा वो अज अपने सदीवी सफर से चले गए, और हुण वो सानू कभी दर्शन देंगे नहीं। हुण बस ये जरा दुखदाई अंत है कि सानू कभी दर्शन नहीं होंगे। ईश्वर तो उन्हों का भला ही करेगा, अपने चरणों स्थान देगा, जैस जैसी वो आत्मा सीगे, पर साढ़े तो विदा हो गए। हाँ जी, वो दिल्ली दे विच रहे, बहुत साल दिल्ली विच रहे, लेकिन अंत दे विच जदों उन्होंने सारी जिम्मेवारियां छड़ दित्तियां तां उन्होंने संघ सरसंघचालक जी को ये बेनती की कि मैं बहुत टाइम पंजाब दे विच कम किया है, तो हुण अगर मैं रेस्ट करना चाहना है तो मैनू लुधियाना पंजाब दे विच भेज दिता जाए। और बहुत अच्छी तरह बहुत आदर सत्कार दे नाल उन्हां दी देखभाल की गई उत्थे, और बहुत अच्छी तरह उन्होंने अपना अंत समय बहुत संतुष्टि नाल बिताया।